कोरोना वायरस दुनिया भर के देशों के लिए चुनौती बनते जा रहा है। इस खतरनाक वायरस के चलते इटली में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2503 लोगों की मौत और करीब 31,506 संक्रमित मामलों की पुष्टि की। इधर अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 100 पहुंच गया है। फिलहाल इटली में 26,000 से अधिक मामले पॉजिटिव हैं और लगभग 3,000 लोग ठीक हो गए हैं। बता दें कि इटली द्वारा दर्ज की गई मौतों की संख्या चीन के अलावा किसी भी देश से सबसे अधिक है। चीन में 3,000 से अधिक लोगों की जान गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार COVID-19 के 195,000 से अधिक मामलों की विश्व स्तर पर पुष्टि की गई है। साथ ही जारी आंकड़ों में दुनिया भर में कम से कम 7,868 लोग इस खतरनाक वायरस से मर चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक मरने वाले सबसे ज्यादा वॉशिंगटन स्टेट से हैं। उत्तर पश्चिम राज्यों में जहां 50 मौतें हुई हैं, वहीं न्यूयॉर्क में 12 और कैलिफोर्निया में 11 लोगों की जान गई है। कोरोना का कहर अमेरिका के सभी 50 राज्यों में है। वेस्ट वर्जीनिया में भी पहले मामले की पुष्टि हो गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, दुनिया एक छिपे हुए दुश्मन के साथ युद्ध में है, हम जीतेंगे।